तो तवक्कुआत ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। आपको पता है मगरिब में पेट्स का रिवाज क्यों ज्यादा अच्छा, कुत्ते ज्यादा, कुत्ते बिल्ली क्यों? कुत्ता जो है वो आपसे बहुत कम तवक्कुआत रखता है। उसको आप सुबह एक दफा खाना देके चले जाए, शाम को दफ्तर से आए 8-9 घंटे बाद उसका डब्बा खोल के खाना दे दें, उस बेचारे को कुछ नहीं चाहिए। वो आपका वफादार रहेगा, आपसे प्यार करेगा, जूता मारो लात मारो फिर भी आपके पास आएगा। इंसान आएगा नहीं आएगा? इंसान आएगा क्या? कुत्ता आएगा। एक बड़ी मशहूर रियल स्टोरी थी ना, जिसके फिल्म भी जापान के तरह कुत्ता का मालिक, रोज सुबह वो कुत्ता जो है वो मालिक के साथ, वो जब जॉब पे जा रहा होता तो रेलवे स्टेशन मालिक के साथ चलता, तो मालिक ट्रेन में बैठता वो वापस घर चला रहता था। ये रियल स्टोरी। पर एक दिन मालिक नहीं आया, मर गए। ना जाने कितने साल रोज उस वक्त वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचता जिस वक्त मालिक की ट्रेन आनी होती और मालिक अपने काम से वापस होता। कई साल तक वो कुत्ता जाता रहा, कि लोगों को पता चला कितना वफादार है ये जानवर, कि कुछ नहीं मांगता आप सिवाय रुपये। अच्छा वो भी आप ना, अभी भी आपको छोड़ के नहीं जाए। इंसान में ये वफादारी नहीं, मगर इंसान अशफुल मखलूकात है। इंसान अशफुल मखलूकात है, बनाया अशफुल मखलूकात है। दुनिया में आया आदमी बन गया, अब आदमी से फिर सफर इंसान का, फिर सफर करना है आदमी से फिर इंसान बनना है। या तो आदमी बन गए, मां के पेट से बाहर आए आदमी बन गए, क्यों आदमी बन गए? नाम दे दिया, मजहब दे दिया, मसलक दे दिया, फिरका दे दिया, कौमियत दे दी, खत्म। आदमी बन गए, इंसान क्या है और आदमी में फर्क क्या है? कभी आप समंदर पे गए, कराची वाले तो बड़े खुश नसीब है, कभी समंदर पे जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आदमी और इंसान में फर्क किया। समंदर पे जाए, एक चमचा लें, पानी निकाले, चमचे में पानी रखें, एक कतरा दो कतरा जितने भी आते, एग्जाम्पल के तौर पे एक कतरा पानी, किसका है? समंदर का है कि ना? एक कतरा है किसका? समंदर का। अब उस एक कतरे के तमाम खसूसियात है उस समंदर की, जो कुछ उस समंदर के पानी में है वो इस एक कतरे में है। नमक है, मुख्तलिफ निर्मित से है। अब इस एक कतरे में पूरा समंदर मौजूद है, मगर आप इसे समंदर कहेंगे? समंदर मौजूद है, कहेंगे एक कतरा समंदर के पानी का, समंदर भी। अच्छा फिर आप उसे वापस डाल दें समंदर में और मैं वो ढूंढ के लाऊं, वो मिलेगा? पैदा करने वाला मुझसे क्या चाहता है? ये चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो मैं इस पर नहीं जाऊंगा, फिर अपने असली बात पे आता हूं। अब एक चीज हमें सीखी कि तवक्कुआत जिंदगी में कम से कम रखें, मगर तवक्कुआत फिर भी बिल्डअप हो। तो उसका तरीका क्या? काउंटर को करना है ना, ये तो ऑटोमेटिक है। ऑफिस में अक्सर खवातीन हमारे पास होती हैं और वो रोना लेके आती है। रोना ये होता है कि जी मेरा हस्बैंड जो है ना वो अपनी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व हो, अक्सर ही होता है, या कुलीग के साथ। अच्छा क्या हुआ? आई एम श्योर उनका कोई इरादा नहीं था, विषय कोई इरादा नहीं। कम्युनिकेशन जब बढ़ता है दो लोगों में, बढ़ता है, काम के सिलसिले में आप अपने कुलीग से कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने असिस्टेंट से करते हैं, आप अपनी सेक्रेटरी से करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन बढ़ता है तो कम्युनिकेशन करता क्या है? कम्युनिकेशन का एक कमाल ही है कि लोगों को करीब करता, हमेशा कम्युनिकेशन लोगों को करीब करेगा। अब जब इंसान एक दूसरे करीब आता है तो एक दूसरे को समझने लगता है। मतलब बॉस को दाल पसंद है तो वो कभी घर से अपने दाल बना के लाएगी, कोई नियत बुरी नहीं है, सिर्फ अपने बॉस को खुश करने के लिए कि मेरा बॉस खुश हो लेके आएगी। अब जब इंसान कम्युनिकेट करता है, करीब आता है, तो यहां ऑटोमेटिकली कुछ एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाता है। जब एक्सपेक्टेशन डेवलप होती है वो पूरी नहीं होती तो फिर इंसान का दिल टूटता है और फिर इंसान के रिश्तों के अंदर जहर आना शुरू होता है, तलखे आने शुरू होते हैं। अब दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम इंसान हैं भाई, हमें कहा जाता है वी आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स।
نصیب دی ہوں اور مجھے وزیر نے دعوت دی, کہتا نہیں تمہارے کپڑے دیکھو اندر بڑے بڑے عمرا بیٹھے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے کپڑے تمہارے کپڑے آرام سے کپڑے بھاجا نکال دیا. اسے وہ گھر گئے, انہوں نے کوئی اچھا قیمتی لباس لے کے آئے. اب جیسے ہی آئے دربان نے کہا جائیے تو دس ہزار میں. اب وہ کھانا شروع ہو چکا تھا, انہوں نے ڈونگا لیا سالن کا کپڑے پہ ڈالا, لوگ حیران نہیں پاگل ہو گیا اسے ہوا کیا, کیا کہہ رہے ہیں آپ بولے سنتی کہ اپنے کپڑوں کو کھانا کیوں ڈال رہے ہیں, مجھے تھوڑی بلایا تھا میرے کپڑوں کو بلایا میں اس کو کھانا کھلا. ملا نسب الدین کا بھی کہیں کسی نے کہا ہے کہ ڈزنٹ میٹر کس کا ہے, ضروری نہیں ہے. علی بن ابی طالب نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو پتا ہی نہیں ہسٹری میں کیا چیز ہوئی. آپ ایک چائنیز وسپر, ایک منٹ سن لیں پہلی میری بات, چائنیز وسپر اگر میں آپ کے ساتھ ابھی کھیلوں تو دس منٹ میں میرا بولا ہوا جملہ جب بیس لوگوں کے پاس سے آئے گا تو وہ بدل چکا ہوگا. آپ 1400 سال کی ہسٹری کی بات کریں, ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اسے سبق کیا ملتا ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے ملا نصر الدین کے حساب سے اس لیے میں نے سنا دی. جہاں سے آیا ایک چیز سمجھ میں آ گئی نا بچی ہے, اب کہاں سے آیا ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ کسی غار میں گئے اور وہاں سے تیر آیا اور لگا, اب ہمارا کام کیا ہے کہ اس تیر کو باہر نکالے. ہم کہتے ہیں کس نے مارا ہے یہ تیر, کیوں مارا ہے یہ تیر, کہاں سے آیا ہے یہ تیر, میرا کیا تیر نکالو تاکہ وہ زہر آپ کے جسم میں نہ آ جائے. یہ جتنے بھی پیرابلز ہیں اسٹوریز ہوتی ہے, پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ آخر میں ضرور میں اسٹوری سنا دوں جس سے میری زندگی تبدیل ہو جائے, بہت چھوٹا ہو. میرا تو فون بند ہے تو وہ تو ہر جگہ ہوتے سگنل لوگوں کے, تو پھر آپ کا جو ہے نا غلط قسم کے سگنل کیچ کرتے. ڈریم نہیں سر, اس پہ چلے ڈریم خواب دیکھے اور خواب کو پایا تکمیل پہنچا, پایا تکمیل تک پہنچا, محنت کرے جد و جہد کرے کیوں کرے. اب ایک چیز آخر جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ, تو پورا لبے لبا میں اس تمام چیزوں کا میں کئی چیزوں پہ بات کر سکتا ہوں مگر میں زبید آفتہ کے ٹوٹکوں پہ نہیں جاتا اور یہ قوم جو ہے وہ اس کو چاہیے ٹوٹکے. ہمیں ای میل آتی ہے روز, مجھے ڈپریشن کی بیماری کو ٹپ بتا دو. ڈپریشن کے لیے کون سی ٹپ بتاؤں بھائی, آج جمعرات کا لیکچر یہ 28 سال سے میرا ایک محفل ہوتی ہے, اس میں لوگ سوال لے کے بھی آتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور پھر انٹرنیٹ میں سوال آتا ہے. 28 سال سے ہر جمعرات کو شام 7 سے آتے ہیں, فری اوپن اینی بڈی کین کم. کلفٹن میں جو میرا ادارہ ہے وہاں ہوتا ہے. ایک سوال میرے پاس آنا شروع ہو گئے پچھلے ہفتے سے, ایک سوال ہے خاتون اس کا جواب دوں گا کہ جی کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے آپ محبت کریں اسی سے آپ کی شادی ہو. سب سے آسان طریقہ ہے کہ اغوا کروا لیں, درنا درنا بہت اچھا. اب آخری بات جس پہ میں آیا اس کے بعد سوال جواب کر سیشن لیں گے, یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں کام پہ جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, بزنس پہ جاتے ہیں, یا خاتون کھانا صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتہ دیتی ہے, شوہر کو کھانا دیتی ہے, ناشتہ دیتی ہے, پھر لگ جاتی ہے اپنی کام میں مزدور, شام تک رات تک وہ کام کرتی ہوں. یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ایکشن لیتے ہیں اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن میں جو ایک میجر چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیپینس, خوشی. میں چاہتی ہوں میرا ہسبینڈ ہیپی ہو, میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں. اگر آپ کسی کو بھی کوئی بھی گول اس کا لے لیں اور اس گول کے اوپر مختلف کوشچنز آپ کریں
इवेंचुअली जिस जगह वो पहुंचेगा कि अच्छा ये मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये मिलेगा तो फिर क्या होगा, ये मिलेगा तो फिर क्या होगा, इवेंचुअली वो आखिर में जो पहुंचेगा वो दो चीजों की, एक कहेगा सेटिस्फेक्शन और एक कहेगा हैप्पीनेस, दोनों कनेक्टेड है आपस में। आप हैप्पीनेस पे फोकस करें, अल्टीमेट पर्पस आपका ये है कि आप जो भी काम करें उससे जो भी मिले और वो उससे जो मिले और उससे जो मिले उससे जो मिले इवेंचुअली आपको हैप्पीनेस मिले, दैट्स द होल आइडिया। अभी जो हैप्पीनेस है जो आपको मिलती है, ये हैप्पीनेस है क्या? आम इंसानों के लिए जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है। एक दफा एक खातून मेरे पास थी, बड़ा मशहूर वो नाम है, नाम ले नहीं सकता, फिल्म के अंदर एक्ट्रेस भी रह चुकी है, टेलीविजन पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह अपने जमाने में बड़ी खूबसूरत थी, आज भी बहुत खूबसूरत है। उससे उसके ना सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, सुनिएगा गौर से। मैंने आपको 60 में ये जब शुरू हुआ सेमिनार, मैंने कहा था मैं माहिर हूं कम्युनिकेशन का, तो मेरी कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्प करेंगी। उसने मुझसे कहा कि सर मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा अच्छा फिर कहो क्या गुस्सा आता है। मैंने कहा रुको कहां से आता है, उसने क्या मतलब, मैंने कहा दाएं से आता है, बाएं से आता है, ऊपर से आता है, नीचे कहां से आता है। लिंग्विस्टिक्स में कोई जुमला ये कह रही है गुस्सा आता है, इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो बाहर है, यानी बाहर है ना, इसको कहते हैं प्री सपोज। आप प्री सपोज करें, प्री सपोज इसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि मोहित साहब कल मैंने थोड़ा अच्छा खाना खाया दोपहर, अब इसमें प्री सपोजिशन क्या है, खाना होगा तभी तो खाया होगा, या तो प्लेट में होगा या पत्ते में होगा, मैं कहीं रखा होगा तो कोई जगह होगी या टेबल होगा जिस पर रखा होगा, ये सारी प्री सपोजिशन होती है। ये खुद को खुद सुनने वाले का ब्रेन करता है, जब कोई जुमला आपसे कहता है तो आपका ब्रेन प्री सपोज करता है कुछ चीजों को, जो आप बोलते नहीं आपका ब्रेन जो है वो न्यूरल पाथवे जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम इस चीज को समझ जाए कि जब वो शख्स कोई बात कहता है तो उस बात में उस जुमले में उसकी अपनी दुनिया छुपी है, जब उसने कहा गुस्सा मुझे आता है उसका मतलब है इसका माइंड जर्नलाइजेशन में काम कर रहा है। ये सब टेक्निकल टर्म्स जर्नलाइजेशन, इसको मुझे स्पेसिफिक लाना पड़ेगा, उसको गुस्से को कंट्रोल करने से पहले उसको इस बात को समझाना पड़ेगा कि गुस्सा कहीं से आता नहीं। तो मैंने उससे कहा अच्छा कहां से आता होता नहीं, मतलब मेरे अंदर महसूस होता है, उसने खुद ही कह दिया। मैं कहा सबसे पहले अपने लैंग्वेज चेंज करो, ये मत कहो कि गुस्सा आता है, कहो गुस्सा महसूस होता है। फर्क दोनों में क्या है, पर यह है कि जब आप ये कहते हो गुस्सा आता है इसका मतलब है आप जिम्मेदार नहीं हो, कोई और जिम्मेदार है। मगर जब आप कहते हो कि मुझे गुस्सा महसूस होता है इसका मतलब जिम्मेदारी मुझ पर है, तो जब जिम्मेदारी आप पर होगी तभी तो आप खत्म करोगे, जब दूसरों पर होगी तो आप कैसे खत्म करोगे उसको, आप कर ही नहीं सकते। यही सारी जिंदगी हमारी लड़ाई इसी बात पर कि जो खुशी हम चाहते हैं वो हम चाहते हैं दूसरा शख्स हमको दे, और सारी जिंदगी आप अपना दामन फैलाए मोहताज बने पड़े। मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं खुश होगा, मेरी बेटी की सालगिरह होगी तो मैं खुश होगा, मेरे बेटे का स्कूल में एडमिशन हो जाए मैं खुश हूं, मेरा बच्चा ये यूनिवर्सिटी में आ जाए मैं खुश हूं। सारी जिंदगी इन खुशियों के पीछे आप दौड़ते हैं, ये भूल जाते हैं कि खुशियां चीजों में नहीं होती, चीजें आपको स्टिमुलेट करती है। जैसे कोई स्पिन चुभो दे आप, कोई ठंडे हवा का झोंका आ जाए, कहीं से बहुत अच्छी खुशबू आ जाए, कोई शख्स गुजरा उसने बड़ी अच्छी परफ्यूम लगाई वो खुशबू आ जाए आप,